महागठबंधन खेमे में लगातार नेताओं के बयानबाजी ने मुख्यमंत्री नीतीश और लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब महागठबंधन के अंदर हाई अलर्ट है। जीतन राम मांझी ने अपना हिस्सा मांगा है और आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई थी और उन्होंने जिक्र किया, हम उनके बयानों को भी सुनवाएंगे और सब कुछ आपको बताएंगे कि आखिर मांझी कहना क्या चाहते हैं और अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी का सच में मन डोल रहा है। ऐसे में कई वीडियोस के जरिए हम स्पष्ट करेंगे आपको और जिसमें जीतन राम मांझी भारी दबाव में हैं, मांझी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है और कैसे करना है। दरअसल जीतन राम मांझी ने दो बयान दिया। पहला बयान कि पूर्णिया की रैली पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन बातों का जिक्र किया था और कहा था कि मांझी जी पर भी सब डोरा डाल रहा है, मांझी जी कहीं जाइएगा नहीं, आपको सब कुछ यही मिलेगा, हमने दिया है और आगे भी देंगे। अब जीतन मांझी के इन बयानों के बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर सच में जीतन मांझी इन मुद्दों को देख रहे हैं। नीतीश कुमार के बयानों के बाद मांझी ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिन में उन्हें कुछ मिलेगा। लेकिन भाई तीसरी तरफ अमित शाह से मुलाकात के बाद ये चर्चा तेज है और अब वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किधर जाएं। साथ ही जीतन राम मांझी के ऊपर दबाव है और ये दबाव आरजेडी, जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विलय का दबाव है और ये दबाव इस कदर जीतन राम मांझी पर हावी है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें डांटने लगती है। ये तमाम चर्चाएं अब बिहार में शुरू हो गई है और जब जीतन मांझी के बयानों के बाद सब कुछ स्पष्ट है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो करना है जल्दी करें वरना फैसला और जो समय है वो कहीं ना कहीं जब निकल जाएगा तो आने वाले दिनों में कोई फायदा नहीं होगा। विपक्ष को एकजुट करना है तो जल्द से जल्द तय कर लिया जाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जो भी नेता हो उनके लिए एक मजबूत गठबंधन बनाया जाए। वही अमित शाह से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी इस बात को लेकर चर्चा में आ गए कि आखिर भाजपा के साथ उनका सेटिंग हो रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी की कई मांगे हैं, MLC चुनाव, उसके अलावा टिकट बंटवारे में जीतन राम मांझी को नहीं पूछा जाता है, उसके अलावा गया लोकसभा की सीट, जीतन राम मांझी को एक सही जगह पर उन्हें बिठाया जाए ताकि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति अब खात्मे के कगार पर है तो मांझी अप्रासंगिक नहीं रहे, यानी देश के कई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां होती हैं, मांझी की नज़र उस पर भी है और मांझी वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कायदे से उनके लिए वो जगह बनती है। लेकिन ऐसे में अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बिहार के महागठबंधन में जीतन राम मांझी सबसे ज़्यादा हैं और किसी भी वक्त जीतन राम मांझी ऐलान कर सकते हैं कि वो अब महागठबंधन के अंदर नहीं है। नेताओं के बयानों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि मांझी जी अब कहीं ना कहीं उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से वो अपने लिए एक रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के हठधर्मिता की वजह से गठबंधन में कई दल असहज हैं, माले की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या वाम दलों के अन्य जो साथी हैं जो सरकार में मंत्री नहीं बने हैं उनकी बात कर ले, मांझी की बात कर ले, सहनी की बात कर ले, ये तमाम जो नेता हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जीतन राम मांझी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स अब खेलना शुरू कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।